हाय किड्स, हाय सर। आज हम पढ़ेंगे करुण्या द लैंडलॉर्ड। करुण्या है, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। जमींदार का मतलब होता है जो बहुत ही क्या होता है, अमीर आदमी। अब देखो, करुण्या बॉट थ्री फील्ड्स। करुण्या ने क्या करिए, तीन फील्ड्स मतलब तीन खेत खरीदे। ठीक है, तीन खेतों के जो डायमेंशन है वो ये है, एक खेतों ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी। एक खेत की जो डायमेंशन है वो 27 मीटर उसकी लंबाई है और 28 मीटर उसकी क्या है, चौड़ाई। वैसे ही बी फील्ड है उसकी 36 मीटर लेंथ है और 12 मीटर ब्रेथ है। ओके और जो सी फील्ड है उसकी 27 मीटर लेंथ है और 19 मीटर ब्रेथ है। इसका एरिया निकाल सकते हो, कैसे निकालते हैं एरिया, सब गुणा करके। ठीक है, जैसे हमारे पास ये ए फील्ड है एक, ठीक है, इसकी डायमेंशंस कितनी है, 27 और 28। ए फील्ड है ये, दूसरा हमारे पास क्या है, बी फील्ड और तीसरा सी फील्ड। बी फील्ड की डायमेंशन है हमारे पास 36 और 12 और इसकी है 27 और 19। ठीक हो गया, तीन हमारे पास क्या है, खेत। अब वो बोल रहे हैं, अब उनके पास जो क्वेश्चंस हैं वो है फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द थ्री फील्ड्स। इन तीनों खेतों को हमको क्या निकालने हैं, एरिया निकालने हैं। एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 27 × 28 ए खेत का, बी का कितना हो जाएगा, बी का 36 × 12 और सी का 19 × 27। ठीक है, जितना भी आएगा आंसर, माना इसका आंसर आया एक्स, इसका आंसर आया वाई और इसका आंसर आया जेड। एक्स वाई जेड तो आएगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ डिजिट्स आएंगी। अब देखो, ही बॉट फील्ड ए एट द रेट ऑफ ₹95 फॉर अ स्क्वायर मीटर। अब वो बोल रहे हैं जो करुण्या था, जो लैंडलॉर्ड, उसने जो एक खेत था वो किस रेट पे खरीदा, 95 रुपीज में क्या खरीदा उसने, एक स्क्वायर मीटर। अब हमारा जो एरिया होता है, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो तब होती है जब सेंटीमीटर में डायमेंशंस होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशंस है वो काई में है, स्क्वायर मीटर, मीटर में। ये भी स्क्वायर मीटर, ये भी स्क्वायर मीटर और ये भी स्क्वायर मीटर। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि ही बॉट फील्ड ए एट द रेट ऑफ 95 फॉर अ स्क्वायर मीटर। अब जो ए फील्ड था उसने कितने रुपए में खरीदा, वो 95 में। तो अब जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ फील्ड ए है, ए फील्ड की कॉस्ट कितनी आएगी हमारी, 95 को किससे गुणा करना पड़ेगा, एक्स से। मतलब एक्स, एक्स का मतलब है कि जो है आएगा आंसर बी की, बी के लिए यहाँ पर रेट दिया हुआ है उसने 110। तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, वाई, और सी को 120 से इंटू जेड। इसके बाद भी इनके कुछ आंसर्स आएंगे, इनसे गुणा करके भी। अब वो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल थ्री फील्ड्स। तो अब आएगी कॉस्ट ऑफ ऑल द फील्ड्स इज इक्वल टू कितना, इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा और इसका आंसर जो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका आंसर आया हमारे पास ए, इसका आंसर आया बी, इसका आंसर आया सी। तो तीनों को हमको क्या कर देना है, प्लस प्लस। ठीक है, कर लोगे, सिंपल है। yes, sir.